तो गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। आज मैं आपके साथ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम के सारे सोर्सेज, सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। कौन से पेड हैं, कौन से फ्री हैं, तो मैं पर्सनली इन सोर्सेज को फॉलो कर रही हूँ। और अगर इनमें कोई भी चेंजेस होते हैं उसके अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देती रहूँगी। मेरे अकॉर्डिंग ये मेरी बेस्ट एनालिसिस है जहाँ से मुझे बेस्ट कंटेंट लगता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल नॉलेज की, ठीक है। जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से सोर्सेज मुझे पर्सनली बेस्ट लगे। देखो, एक तो है आशीष सर अड्डा के, आशीष गौतम सर हैं अड्डा, 247 पे पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। इनकी सुबह करंट अफेयर्स की क्लास है, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है क्योंकि सर अच्छे से रिवाइज करवाते हैं। एक मैं डेली सर की क्लास को देखना प्रेफर करूंगी। उसके अलावा एक कपिल सर हैं स्टडी नीति के हैं। ये अन अकेडमी पे सर की ना डेली 10 PM पे रात को क्लास होती है MCQs वाली। सर क्या है, सर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चंस करवाते हैं, जो हम छोड़ के जाते हैं सर वो वाले क्वेश्चंस करवाते हैं। तो इनकी मैं क्लास नहीं अटेंड करती, अन अकेडमी पे ना इनकी PDF होती है, वो PDF पढ़ने में 15-20 मिनट लगते हैं। तो वो PDF का एक बार मैं रीडिंग ले लेती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में गिवन होते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो एक आप इनकी कपिल सर की अन अकेडमी पे 10 PM पे MCQs वाली क्लास होती है, उसकी PDF पढ़ सकते हो डेली बेसिस पे। उसके अलावा जो दो सोर्सेज हैं जो आप छोड़ ही नहीं सकते, वो है एक स्टडी IQ की PDF आती है, स्टडी IQ की मंथली PDF आती है, टॉप 300 MCQs या टॉप 200 MCQs, एक वो PDF आपको करनी है मंथली बेसिस पे। और उसके अलावा मैं फॉलो करती हूँ अफेयर्स क्लाउड की PDFs मंथली बेसिस वाली, जो डिटेल्ड वाली होती है। उसके अलावा जो वीकली वाली होती है, और अगर कभी टाइम नहीं होता तो मैं पॉकेट PDFs रीड कर लेती हूँ, ठीक है। तो डेली बेसिस पे हमें आशीष गौतम सर की क्लास लगानी है और कपिल सर की PDF पढ़नी है। उसके अलावा जो स्टडी IQ की मंथली और वीकली है, इसको आप घंटा दे दो डेली, इसकी रिवीजन मार लो। तो ये डेली बेसिस पे करना, डेली बेसिस पे है, पर करना मंथली और वीकली वाला कंटेंट है। तो ये फुल स्ट्रैटेजी है जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप क्या कर सकते हो। बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए एक ऑप्शन तो है आपके पास पेड में जाने के लिए, आशीष सर की वॉरियर बैच, ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड बैच है, ये बहुत अच्छा बैच है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है YT पे मैंने बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस के नोट्स अपने पर्सनल अपलोड किए हुए हैं, आप वो नोट्स कर सकते हो, वो फ्री हैं, ठीक है। दो ऑप्शन ये दे रही हूँ आपको बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। उसके अलावा अगर बैंकिंग अवेयरनेस की और कोई PDF मुझे लगेगी बाद में रिवीजन के लिए, वो टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है स्टैटिक। स्टैटिक देखो, हमें करंट के साथ रिलेटेड ही चलना है स्टैटिक को लेके, तो स्टैटिक हमें करंट की क्लासेस में ही कवर हो जाता है, तो वहीं से हम स्टैटिक कर लेंगे, क्योंकि जो स्टैटिक के क्वेश्चंस बनते हैं वो करंट से ही बनते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर के इतने क्वेश्चंस नहीं आते इसलिए बच्चे स्किप कर देते हैं, बट काफ़ी सारे एग्जाम्स में कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, जैसे ECGCPO में आएगा। तो कंप्यूटर के लिए हमें कहाँ पे जाना है, कंप्यूटर के लिए अंकुश लांबा सर हैं, इनकी 5 या 6 वीडियोस हैं यूट्यूब पे, एक तो वो देख लो कंप्यूटर के लिए। उसके अलावा ऑलिव बोर्ड का है एक कंप्यूटर का PDF, वो आप कर लो पक्का। और ऑलिव बोर्ड के टॉप 300 MCQs वाली एक PDF आती है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, कंप्यूटर की एक वो कर लो, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई और सोर्सेज होंगे वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट होते जाएंगे। उसके अलावा मैं टेलीग्राम चैनल पे अपना डेली का शेड्यूल डालती हूँ, वहाँ से भी आपको आइडिया लगता रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश पे। देखो, इंग्लिश में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश के बाकी सोर्सेज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता दूंगी। इंग्लिश के लिए एक तो आपको ट्राई करना है कि आप वर्ड पावर मेड इजी तो पक्का एक बार रीडिंग ले लो, इससे आपकी वोकैबलरी बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी। उसके अलावा बेस्ट वे है जो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, वो है मॉक्स। मॉक्स दोगे, मॉक्स का अच्छे से एनालिसिस करोगे तो वहाँ से इंग्लिश कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अब मैं आपसे क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के बारे में एक साथ एक चीज़ बता रही हूँ जो बेस्ट सोर्स है, ये है गाइडली की PDFs। मैं डेली पर्सनली गाइडली की 2 PDF सॉल्व करती हूँ मेंस लेवल की। इससे क्या है, इससे इतना अच्छा प्रैक्टिस होगा, क्योंकि गाइडली का जो क्वेश्चन लेवल कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको PDFs के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए गाइडली की PDF से अच्छा और कुछ ऑप्शन है ही नहीं। उसके अलावा मैं डेली एक मेंस का मॉक देती हूँ और एक ट्राई करूँगी कि प्री का भी मॉक दूँ। तो ये बेस्ट है कि हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा रीजनिंग की प्रैक्टिस मुझे लगता है गाइडली और मेंस और पी के मॉक से अच्छी हो जाती है, बट क्वांट्स के कुछ टॉपिक हमारे अरिथमेटिक के बहुत ज़्यादा वीक होते हैं,
तो अरिथमेटिक के लिए मैं क्या करती हूँ, डेली एक टॉपिक पिक करती हूँ और उस पर ट्राई करती हूँ कि मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। वो टॉपिक भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता देती हूँ। और उसके अलावा अरिथमेटिक के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने अभी एक सीरीज स्टार्ट किया अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, अभी 2-3 क्लासेज ही अपलोड किए हैं, वो डेली एक क्लास आप देख सकते हो, उससे आपकी अच्छी रिविजन हो जाएगी, उसमें मैं अपने नोट्स शेयर करती हूँ। आई होप आपको पूरा क्रक्स क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट्स हैं आप टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।